इंडियन प्रीमियर लीग का कारोबार आखिरी चार मैचों पर अटका है, लेकिन पहला क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफायर राउंड का जो मैच है वो खेला जाएगा गुजरात बनाम आरआर के बीच में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बीच में। लेकिन उस मैच से पहले फैंस के लिए, क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर आई है, और खबर ये है कि लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो इस समय कोलकाता में हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। यानी कि आज मंडे है, यानी कि सोमवार है, कल खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, लेकिन रविवार को भी लगातार बारिश हुई है, खूब जमकर बारिश हुई है कोलकाता में। मंडे को यानी कि आज के दिन भी कहा जा रहा है कि सेकंड हाफ में बारिश होने की पूरी चांसेस हैं, और बारिश जो है वो ट्यूसडे आफ्टरनून तक है, यानी कि ट्यूसडे दिन तक बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली बारिश होती रही तो फिर मैच को कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर। हालांकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम आउट स्टैंडिंग है, माना जाता है कि हर समय मैदान को पूरी तरीके से कवर करके रखा जाता है, लेकिन सवाल यह कि अगर इसी तरीके से मूसलाधार बारिश हुई तो फिर कब तक आप मैच को कंडक्ट करा पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह भी है साथ ही साथ कि दिन के बाद यानी कि मंगलवार यानी कि कल दिन के बाद बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि अगर 5-6 घंटे का भी समय मिल जाता है मैदान को ठीक करने में तो मैच की जो संभावना है वो ज्यादा नजर आ सकती है, ईडन गार्डन मैदान पर मुकाबला जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन बारिश यू नेवर नो कि इस समय मानसून का सीजन है, कब जाकर बारिश हो जाए। इस समय बारिश हो रही है कोलकाता में, मंडे को जिस तरीके से हमने बताया कि आज जो सेकेंड हाफ में बारिश होने की पूरी संभावना है और ये कैरी फॉरवर्ड करेगा ट्यूसडे आफ्टरनून तक, तो ऐसे में कहीं ना कहीं झटका जरूर लग सकता है तमाम फैंस को। लेकिन हम सब यही चाहेंगे कि पहला क्वालिफायर जो है गुजरात टाइटंस बनाम आरआर के बीच में वो बिना बारिश के बलि चढ़े हुए एक कॉम्पिटेटिव मैच देखने को मिले, एक बड़ा मैच देखने को मिले।